हेलो गाइस, आज संडे का दिन है और सुबह सुबह मैं सफाई का काम कर रहा हूँ। देखिए इधर बहुत सारे पूरे एकदम जंगल बने हुए थे घास से, तो मैं ये सब सफाई किया हूँ। अभी आगे बहुत सारी सफाई अभी करनी बाकी है, तो आइए इधर, ये सब सारी सफाई मैंने अभी किया हूँ। और आइए इधर देखिए, ये सभी सारा मैं सब करके यहाँ से जितना भी है मैं यहाँ से सारा कचरा हटाऊँगा, खुद से साफ करके सारा कचरा मैं फेंकूँगा। अभी देखिए ये सब जो है सारा घास घर पे जो है, इधर देखिए ये सब जितने सारे हैं सब मैं सफाई सुख से करूँगा। और सारा सफाई करके यहाँ से जितना भी कचरा होंगे मैं सारा कचरा को यहाँ से फेंकूँगा, क्योंकि आज संडे का दिन है तो मुझे लगा कि काफ़ी गंदगी यहाँ पे हो गई थी, काफ़ी घास जमे हुए थे, काफ़ी गंदगी थी, तो मैं सोचा कि आज सफाई अभियान करता हूँ और मैं सारी गंदगी को मेहनत करके खुद से अकेले साफ करने का प्रयास में लगा हुआ है। इसी तरह का ये जितने देख रहे हैं ये सारा घास की सफाई मैं भी खुद करूँगा, जितने सारे मैं सफाई करके सारे पे हम फेंकूँगा और इसको एकदम चिकना बनाऊँगा, प्लेन बनाऊँगा। सफाई के दौरान दोस्तों मुझे काफ़ी पसीना चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा कड़ी धूप हो गई है सुबह सुबह और बहुत ज़्यादा मुझे पसीने चल रही है, लेकिन मैं फिर भी इसे पूरा साफ करूँगा और साफ करके ही पूरा ये सारा गंदगी जितना है, देखिए बिना गंदगी फेंके हुए मैं ये नहीं लूँगा। मैं आज सोच लिया हूँ कि पूरे गंदगी को साफ कर देना है और साफ करके सारे कचरे को बाहर फेंकूँगा और पूरा मैं साफ करूँगा। देखिए इधर आइए, थोड़ा बहुत देखिए ये बहुत सारे इतनी गंदगी हो गए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत काफ़ी मेहनत लग रही है और इतनी कड़ी धूप निकली हुई कि काफ़ी पसीना भी चल रहे हैं, लेकिन मैं आज इसे पूरा साफ करूँगा कि जितने सारे हैं ये सब मैं खुद से साफ आज करूँगा। साफ करने के बाद ही मैं स्नान वगैरह करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लग रही है, आप लोग देखिए गंदगी यहाँ पे हो गई है, इतना ज़्यादा घास हो गए थे कि जब देखने में देखिए ढेर लग चुके हैं, काफ़ी पसीने चल रहे हैं, लेकिन मैं पूरा सफाई करके ही रहूँगा। जो काफ़ी ऊपर चली गई है, ये नल को हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बिजली के तार पे लटके हुए हैं। देखिए धीरे धीरे खींचूँगा क्योंकि ये बिजली के तार लटके हुए हैं और इसी कारण गंदगी ज़्यादा फैल रही है, इस नहर का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एक बच्चा है, एक भाई है मेरा जो ऊपर में है, छत के ऊपर में है, वो भी वहाँ से थोड़ा सही कर रहे हैं, देखता हूँ कहीं तार ना टूटे, तो काफ़ी सावधानी से करना पड़ रहा है। दिखाइए ऊपर, दिखाइए देखिए देखिए सारे साफ हो गए हैं और साफ करने के बाद ये सारे को मैं सारे डर को मैं फेंकने का काम करूंगा, पूरी सफाई यहाँ पे मैं करूंगा। जिस तरह से मैं साफ कर रहा हूँ इस तरह से सभी लोग थोड़ी थोड़ी सफाई का काम करना शुरू कर देंगे तो उससे हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा देश एकदम बिल्कुल स्वच्छ होगा। और जितना ज़्यादा स्वच्छ होगा हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने स्तर से जितना हो सके थोड़े बहुत सफाई का काम करना एकदम ज़रूरी समझे और सफाई करना शुरू कर दे। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा सफाई का काम करें, उससे क्या होगा कि हमारा जो भारत है, हमारा जो राज्य है वो पूरा स्वच्छ होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।